सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जैसे आरआरबी क्लर्क प्री का एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट है कि भैया कट ऑफ किया जाएगा, हमारे सेक्शन के पेपर काफी हार्ड थे तो पेपर काफी अलग था, ये था वो था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे, बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ सारे बच्चों का, और बहुत सारे क्वेश्चन को मैं कंपेयर भी कर रहा था शिफ्ट बाय शिफ्ट। तो मैं बताऊंगा कि कट ऑफ क्या था प्रीवियस ईयर, कितने आपके पास वैकेंसी थी इस ईयर, क्या थे सारे उसके बेसिस पर, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो एंड तक आप देखिएगा इस वीडियो को। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप सभी को पता है आरआरबी क्लर्क का एग्जाम तो अब खत्म हो गया प्री के, अब आने वाले क्या है आरआरबी पीओ के मेंस के या फिर क्लर्क के मेंस के एग्जाम। तो प्री का कटअप की बात करूं अगर मैं, तो देखो जो प्रीवियस ईयर वो टोटल वैकेंसी थी वो शायद उससे शायद इस बार इन कंपैरिजन टू अगर मैं कंपेयर करूं 16 से 17 का, 16 में देखो कम से कम आरआरबी क्लर्क में 600 से 700 वैकेंसी ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू 600-700 क्या है इस बार कम है, इस बार शायद 8298 समथिंग है और 16 में शायद 8900 समथिंग कुछ था, ठीक है। तो अगर इस चीज को भी आप साइड रख दो तो देखो जो एग्जाम हुआ 16 को और 17 को, यानी कि 16 और 17 को मिलाकर टोटल कितने शिफ्ट एग्जाम हुए थे, 6 शिफ्ट। तो मैं हालांकि सारे टॉपिक सेम है जितने भी शिफ्ट एग्जाम हुए टोटल 23rd और 24th को मिलाकर, रीजनिंग और मैथ के जो भी पजल वगैरह थे सब डिट्टो सेम आ रहा है, लेकिन आप सभी को मैंने ये बात भी बताया था कि बिना अर्थमैटिक को टच किए एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थमैटिक ही 15 नंबर क्या कवर कर रहा है एग्जाम में, यानी कि अगर आप अर्थमैटिक हटा दो और 65 अटेम्प्ट भी करते हैं ना फिर भी आप सेफ नहीं होंगे। तो बहुत सारे बच्चों को मैं बता भी चुका था कि अर्थमैटिक करना ही करना है, कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन तो करके आना ही आना है किसी भी कंडीशन में। अब इस 65 में 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें भी आपके पास कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, आपको आते तो है लेकिन फिर भी आप टाइम ज्यादा लगाओगे तो उसको आप स्किप करते हो, ठीक है। तो इस 65 में बच्चे अक्सर 61-60 अटेम्प्ट करते हैं जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए इनफ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो एक बात आप लोग थोड़ा लॉजिक को समझो, अब जो एग्जाम हुआ 23rd को, ऐसा तो नहीं है कि 23rd को बच्चे एग्जाम दिए नहीं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम दिए, पूरे कंट्री में एग्जाम हो रहा था स्टेट वाइज। अब 23rd का जो 4th शिफ्ट का पेपर था ना, विश्वास आप लोग करो या ना करो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था इन कंपैरिजन टू अदर शिफ्ट जितने भी शिफ्ट हुए हैं, बहुत डिफिकल्ट था, मतलब पीओ लेवल का पेपर था अर्थमेटिक वाले पोर्शन, और अर्थमेटिक वाले पोर्शन कितने इंपॉर्टेंट से मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया हूं। तो देखो और तो टोटल अगर मैं एनालाइज करूं पेपर को, देखो ऐसा तो नहीं है 23rd को जो 4th शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं था पूरे इंडिया में जो कट ऑफ क्लियर ना कर पाए, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कट ऑफ क्लियर कर सकते थे जिनका नंबर ऑफ अटेम्प्ट 70 प्लस जा सकता था, जिनका नाम आने वाला था लेकिन वो क्या किए अर्थमेटिक हार्ड होने की वजह से 61, 63, 64 अटेम्प्ट कर आ रहे थे, कर तो सारे बच्चे 60 प्लस रह रहे थे, आउट ऑफ 199% बच्चे 60 प्लस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मैं बोल दू अगर कंपेयर करूं ओवरऑल, आप सभी को पता है कि स्टेट वाइज जाता है क्या कटअप, लेकिन अगर स्टेट वाइज कटअप मैं ना सोचूं, अगर एक मोटा मोटी अगर हिसाब में रखूं तो आप माइंड में रखना जो कटअप जाने वाला है ना वो 63 से 69 के बीच में जाएगा। अगले बार क्या हो रहा था 71, 73, 74 समथिंग ऐसा आपके पास शो हो रहा था जो थोड़ा इस बार देखने को ना मिले आपको, ठीक है ना। इसके बहुत बड़े रीजन यही है कि शिफ्ट में थोड़े पेपर के पैटर्न चेंज हो गए थे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन काफी हार्ड थे, जिस बच्चों की एबिलिटी थी कट ऑफ निकालने की बिना वो भी कट ऑफ नहीं निकाल पाया, यानी कि अगर उस शिफ्ट के बच्चे के पास भी पेपर इजी होता, सपोज कर लो इजी होता, तो वो बच्चा कितना अटेम्प्ट करता जिसकी एबिलिटी है 70, 74, 73, तो फिर क्या होता, फिर कट ऑफ आपका जो कैलकुलेट होता वो 67 के प्लस के पार जाता। लेकिन
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनका एग्जाम निकलने वाला भी था, वो भी कट ऑफ क्या किए, कम अटेम्प्ट कर आए हैं क्वेश्चन, तो इस चीज को माइंड में रखना। अब नॉर्मल देखो, बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं, भैया मेरा अटेम्प्ट 65 है, भैया मेरे अटेम्प्ट 63 है, 60 है, मेरे चांसेस है क्या, मैं मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करूं या कर दूं, या मैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपका एग्जाम नहीं निकलता है, मान लो कुछ पल के लिए आप, मान लो आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो आप आज के बाद पढ़ाई करना बंद कर देंगे क्या? अभी अपने आप को समझो, अभी अपने आप को नहीं समझ पाए ना, फिर कभी नहीं समझ पाओगे। अभी आपने आरआरबी पीओ से जो अपने आप को जिस स्पीड में रखा है ना, पढ़ाई की बात कर रहा हूं, जिस स्पीड में जो आपने स्पीड पकड़ी है ना, उस स्पीड को आईबीपीएस क्लर्क तक छोड़ना मत, इस स्पीड को कंटिन्यू रखो। रिजल्ट क्या होता है भूल जाओ, अभी आपके पास 14 दिन बाकी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको अच्छे से पता है, और मैं रात को स्ट्रैटेजी वीडियो भी ला दूंगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आप सभी का, इंग्लिश ना, इस बार इंग्लिश का प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा, जितना मैं करवाऊंगा ना इस 14 दिन के अंदर, बस आप उतना फॉलो करना और काम बन जाएगा यार, मैं तो बोलूंगा काम बन जाएगा। तो रात को मैं अपलोड कर दूंगा स्ट्रैटेजी वीडियो के, करना क्या है इस बार आईबीपीएस पीओ के लिए, और कल से तैयारी मैं स्टार्ट करवा दूंगा फुल बैकअप के साथ, जो भी टॉपिक है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, पीओ लेवल का पजल जो भी है मैं कल से स्टार्ट करवा दूंगा। तो बिल्कुल भूल जाओ, अब एग्जाम तो खत्म हो गया, अब सोच कर कि नहीं निकलेगा या निकलेगा ये सोच कर क्या मिलने वाला, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, एनर्जी लॉस होने वाला है। तो जो स्पीड पकड़ी है इस स्पीड को कंटिन्यू रखो कम से कम आईबीपीएस क्लर्क तक, ठीक है? अगर इस 2-3 महीने और अच्छा से पढ़ते हैं ना तो एग्जाम में निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। सो इस चीज को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? और मैं कटअप बता चुका हूँ कटअप कितना जा सकता है। सो आज के लिए आप सभी कोई का थैंक यू।